आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता जहरीले और भड़काऊ बयान देने की सारी हदें मानो पार कर चुके हों। अब ओवैसी और उनके नेता बीजेपी के साथ साथ समाजवादियों पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बीच ओवैसी पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। नेता और लीडरशिप बनेगी मुसलमानों की इंशाल्लाह, तो आपके इत्तेहाद और आपके वोट के जरिए बनेगी। और आपसे अपील कर रहा हूँ कि ये काम आपको इस आने वाले विधानसभा में करना है। मैं हूँ भड़काऊ भाईजान, यूपी में करूँगा हिंदू मुसलमान। एसपी बीजेपी पर चीखे ओवैसी, ओवैसी का मुस्लिम खेला शुरू। यूपी चुनाव जीतने के लिए इस वक्त ओवैसी हर हथकंडा अपना रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी पर तंज कस रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी ओवैसी के हमले तेज हो गए हैं। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के साथ यादव समाज पर बड़ा हमला बोला है। शौकत अली ने 4 फीट वाला तंज समाजवादी पार्टी पर कसा है। इलाहाबाद से एक चालाक आदमी जो 4 फीट का है निकला, उसने कहा, ए मुसलमानो, मैं तुम्हारी हिफाजत की गारंटी लेता हूँ। ए मुसलमानो, मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। समाजवादी के ठंडे ठंडे को अपने कंधों पर रखा, नोट लिया, वोट लिया, सपोर्ट दिया। देश में सबसे बड़ी धोखेबाज अगर कोई समाज है तो वो यादव। ओवैसी की पार्टी के नेता शौकत अली का बयान साफ दिखाता है कि इनकी पार्टी के छोटे नेता समाजवादियों को टारगेट करेंगी और ओवैसी बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमला करेंगी। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। ओवैसी जब भी मुस्लिमों से भरी भीड़ में जहरीला और भड़काऊ भाषण देते हैं, उस पर जमकर तालियां बजती हैं। लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने ओवैसी और उनके समर्थकों पर तीखा प्रहार शुरू कर दिया है। जरा देखिए। कोई मन में गलतफहमी मत पाल लेना, अभी अगले 5 साल भी यही बुलडोजर चलना है। अभी तो 300 सीट वाला चल रहा था, अभी जनवरी के बाद से 350 सीट वाला बुलडोजर चलेगा तुम्हारे ऊपर। जिस तरह से ओवैसी पर बीजेपी पलटवार कर रही है, उससे ओवैसी को शायद चुनाव में फायदा हो सकता है। ओवैसी भी चाहते हैं कि यूपी चुनाव में बीजेपी नेता उस पर जमकर हमला करें, ताकि वो अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट अपने पाले में कर सके। ओबीसी कहाँ जाएंगे ये चिंता करें, ये बहुत बड़ा। और ओबीसी को ठीक करने के लिए हमारा हैदराबाद का टी राजा, हमारा बेटा ही पर्याप्त है। हिम्मत हो तो उसी से बात कर ले पहले, योगी मोदी तक तो बाद में आए। कुल मिलाकर ओवैसी के ऊपर जिस तरह से बीजेपी हमला कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ओवैसी को फायदा मिल सकता है। लेकिन ये भी तय है कि ओवैसी के जहरीले भाषण बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योगी सरकार के लिए पूरी तरह से चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। आज दरअसल कासगंज और जालौन में शाह ने साफ कहा कि योगी सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने जा रही है। बुआ बबुआ पर बरसे शाह, इस बार योगी 300 पार। बुआ और बबुआ दोनों की पार्टियां जातिवादी पार्टियां है, जातिवादी। भागे माफिया, डर गए गुंडे, माफियावाद पर सख्त योगी सरकार। किसी भी माफिया की हिम्मत है आपको परेशान करने की? जोर से बताओ, है क्या? और जोर से बताओ, है क्या?
मिशन यूपी पर शाह यूपी में योगी का कमाल। यूपी मिशन पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हाथ में गदा उठाए योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार यूपी में योगी सरकार को हरा कर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी भी दावा कर रही है कि बीजेपी को बीएसपी इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर देने जा रही है। लेकिन जिस जमीन पर जिस तरह से बीजेपी के धाकड़ नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं उसे विपक्ष के होश उड़ने लगे हैं। यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रैलियों और जनसभाओं में अमित शाह अखिलेश और मायावती को टारगेट कर रहे हैं। पार्टियां मुआ और बबुआ दोनों की पार्टियां जातिवादी पार्टियां है, जातिवादी बहन की आती है, एक जाति का काम करती है और अखिलेश आते हैं दूसरी जाति का काम करते हैं। सीएम योगी की रैली में उमड़ी भीड़ को अमित शाह अपने चुनावी जनसभाओं में ब्रांड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूपी में कासगंज से लेकर जालौन तक अमित शाह ने जहां योगी सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं अखिलेश यादव पर राम मंदिर के बहाने जमकर निशाना साधा। कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? किस पार्टी ने चलाई थी? अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों।